हैं FCIAG थर्ड रिक्रूटमेंट 2022 ओवरव्यू की। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट नेम की बात करें, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, 5043 पोस्ट दी गई है। फर्स्ट स्टार्ट डेट की बात करें, 6/9/2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। अप्लाई मोड की बात करें, ऑनलाइन तरीके से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं 6/9/2022 दी गई है। लास्ट डेट की बात करें, 5/10/2022 दी गई है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अप्लीकेशन फ़ीस की। UR OBC कैंडिडेट के लिए ₹500 फीस लगने वाली है। SC ST PWBD फीमेल के लिए फीस बिल्कुल फ्री होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट नेम और मैक्सिमम एज दी हुई है। JEE सिविल के लिए 28 वर्ष, JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 28 वर्ष, स्टेनो ग्रेड सेकेंड के लिए 25 वर्ष, AG थर्ड जर्नल के लिए 27 वर्ष, AG थर्ड अकाउंटेंट के लिए 27 वर्ष दी गई है। AG थर्ड टेक्निकल के लिए 27 वर्ष दी गई है। AG थर्ड डिपोर्ट के लिए 27 वर्ष दी गई है। AG थर्ड हिंदी के लिए दोस्तों अब करते हैं वैकेंसी डिटेल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट नेम जोन वाइज वैकेंसी दी गई है। JEE सिविल नॉर्थ जोन के लिए 22, साउथ जोन के लिए 5, वेस्ट जोन के लिए 5, ईस्ट जोन के लिए 7, नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए 9 वैकेंसी दी गई है। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो की सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना आपके पास अनिवार्य है। JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी दोस्तों यहां पे दिया गया है। स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए भी दोस्तों यहां पे दिया गया है। AG थर्ड जर्नल के लिए, AG थर्ड अकाउंटेंट के लिए, AG टेक्निकल के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, AG रिपोर्ट, AG हिंदी के लिए सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। वीडियो को पॉज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। करें सैलरी डिटेल की, तो आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट नेम और सैलरी यहाँ पे दी गई है। JEE सिविल के लिए दोस्तों 34,000 से लेकर 1,34,000 रुपये पर मंथ होने वाली है। स्टेनो ग्रेड के लिए दोस्तों 30,500 से लेकर 88,000 रुपये होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इंजीनियर टेक्निकल रिपोर्ट जर्नल के लिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से दोस्तों 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी दोस्तों 25 के आने वाले हैं, 15 मिनट का समय दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से भी दोस्तों आने वाले हैं, 15 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल स्टडीज से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, यानी कि टोटल में आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एग्जाम बिल कंपैरिजन की। JEE सिविल पोस्ट ए के लिए दोस्तों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होने वाले हैं। यहाँ पे आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एग्जाम पैटर्न फेज की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के बारे में दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फर्स्ट पेपर एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों टोटल 90 मिनट के आपके क्वेश्चन आंसर करें। पेपर थर्ड एग्जाम पैटर्न 2022 की दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आने वाले हैं, जिसमें 25 मिनट आपका समय रहेगा। जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस से भी दोस्तों आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस से भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर करिएगा, और अगर ऐसी जॉब से नई अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।